Hello students, in the last video we have studied about the basics of vectors, okay, which is the prerequisite for electromagnetic field theory. Okay, in this video also we will continue with our previous topic, that is basics of vectors. Okay, so next jo hume study karna hai basics of vectors mein, that is scalar and vector triple product. Okay, so first we will study scalar triple product. Then after that we will study vector triple product. Okay, तो suppose करिए आपके पास अगर three vectors हैं, vector A है, vector B है and vector C है. Okay, तो जो scalar triple product होता है वो कुछ इस तरीके से define किया जाता है, A dot B cross C. Okay, equal to, आप चाहे तो ऐसे भी show कर सकते हैं, B dot C cross A. Okay, और आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, C dot A cross B. ओके, तो ये होता है आपका ट्राइपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्राइपल प्रोडक्ट. ओके, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि तीनों फॉर्मूले इक्वल ही हैं. ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है AX, AY, AZ, BX, BY, BZ एंड CX, CY and CZ. Means आपको इसका determinant calculate करना है. Okay, तो बहुत easy होता है scalar triple product calculate करना, ठीक है, बस मैं आपको formula से familiar कराना चाहता था. So this is your scalar triple product. Okay, now next जो का होता है वो होता है vector triple product. Okay, ये क्या होता है, ये होता है आपका A cross B cross C. Okay, A cross B cross C. Okay, तो इसका formula होता है B into A dot C minus C into A dot B. Okay, clear a point अच्छे से. यहाँ पर आपको इन दोनों product में एक चीज ध्यान से देखनी है कि क्यों इन्हें scalar triple product और vector triple product बोलते हैं. ध्यान से देखिए, यहाँ पर basically आप A dot, ठीक है ना, B cross C कर रहे हैं, मतलब B cross C तो हमेशा vector होता है, हम पढ़ चुके हैं cross product is a vector product, ठीक है, तो वेक्टर है B cross C और A भी आपका वेक्टर है, तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होता है आपका, स्केलर होता है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम स्केलर ट्राइपल प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट जो है आपका, यहां पर देखिए B cross C एक वेक्टर होगा और A भी एक वेक्टर है, तो A और B cross C अगर दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा. ओके, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर ट्राइपल प्रोडक्ट, ठीक है, आप चाहिए तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो जस्ट फैमिलियर कराने के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्केलर ट्राइपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्राइपल प्रोडक्ट आपके क्या-क्या होते हैं, क्लियर है अच्छे से. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें वेक्टर में पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, और यू कैन आल्सो से प्रोजेक्शन. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर. ओके, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन को, तो एक्चुअल में सपोज करिए आपके पास कोई वेक्टर ए है. ओके, और इसका आप कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं अलोंग द वेक्टर बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. ओके, तो दो तरह से कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एक आप स्केलर कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप वेक्टर कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज करिए मैं स्केलर को ए एस शो कर रहा हूं, तो जो आपका स्केलर कंपोनेंट होगा ए का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी वो होता है ए एस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ए बी. ओके, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए इटसेल्फ, तो ए डॉट ए बी, और हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका, स्केलर ही होता है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, तो ये होता है आपका स्केलर प्रोजेक्शन और स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. नाउ अगर मैं बात करूं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ऑफ वेक्टर ए, तो जो आपका वेक्टर कंपोनेंट होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ए डॉट ए बी. ओके, और साथ में आप यूनिट वेक्टर ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मॉड है दोनों का वो सेम है, ठीक है ना, वेक्टर ए का ही कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्केलर और वेक्टर दोनों का मॉड एम्पलीट्यूड तो सेम ही होता है, बस वेक्टर में क्या आ जाएगा,
डायरेक्शन भी आ जाएगा, और आप कैलकुलेट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के ना, तो ए बी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ बी से। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो इस तरह से आप स्केलर और वेक्टर जो प्रोजेक्शंस हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहां पर, सपोज करिए मेरे पास तीन वेक्टर हैं, जिसमें वेक्टर ए है 2ax - az। ओके, ये मेरे पास वेक्टर ए है। वेक्टर बी जो है वो है मेरे पास 2ax - ay + 2az। ओके, और जो वेक्टर सी है मेरे पास वो अगेन है 2ax - 3ay + az। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है यहां पर कि कैलकुलेट करना है आपको, दो क्वेश्चन हम यहां करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ओके, और यहां पर हमें स्केलर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो स्केलर कंपोनेंट ओके ऑफ ए अलोंग बी। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए। ओके, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, अगर ये दो क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमें प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कैलकुलेट करना अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना है ए का बी के डायरेक्शन में। ओके, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ए डॉट ए बी कर देंगे। ओके, तो आप देखिए वेक्टर ए क्या है आपका 2ax - az है, ठीक है, तो आपको सिर्फ यहां पर ए बी चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी चाहिए। ओके, तो ए डॉट ए बी करने के लिए जो कि आपका क्या है स्केलर कंपोनेंट है ए का, तो हमें सबसे पहले चाहिए यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो क्या होता है ए बी का यूनिट वेक्टर या बी का यूनिट वेक्टर इज ए बी, क्या होता है आपका वेक्टर बी, तो वेक्टर बी आपका क्या है, हम पीछे से कॉपी कर लेते हैं इसे, 2ax - ay + 2az। ओके, ये है आपका वेक्टर बी, अंडर रूट के अंदर क्या करना है आपको 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + अगेन 2 का स्क्वायर। ओके, तो ए बी आ जाएगा 2ax - ay + 2az अपॉन कितना हो जाएगा ये 3। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है ए डॉट ए बी, ओके, जो कि है आपका ए एस। तो आप देख सकते हैं जो आपका ए है उसका एक्स कंपोनेंट क्या है 2, और इसका कितना है ए बी का 2/3, कितना हो जाएगा 4/3। नाउ जो वेक्टर ए है उसका वाई कंपोनेंट कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा, और जेड कंपोनेंट कितना है आपका -1, तो यहां पर देख सकते हैं आप -1 × 2 कितना हो जाएगा -2/3, तो आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला आपका क्रिएट होगा ए वी, एक्चुअली सी का निकालना है, तो आप यहां पर सी वी लिख दीजिए। ओके, तो सी वी जो होगा आपका ये हो जाएगा सी डॉट ए इंटू ए ए ए। ओके, ये होता है आपका वेक्टर कंपोनेंट का फॉर्मूला। ओके, आपको सी का निकालना है अलोंग द वेक्टर ए। ओके, क्लियर है, तो आपको सबसे पहले यहां पर ए ए कैलकुलेट करना होगा। ओके, आपको पता ही है कि वेक्टर ए जो है वो है आपका 2ax - az। ओके, तो ये हो जाएगा 2ax - az डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4+1 = 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। अब अगर मैं यहां से c डॉट ए ए कैलकुलेट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए वेक्टर c कितना है आपका, वेक्टर c है 2ax - 3ay + az। ओके, तो 2ax तो कितना हो जाएगा 4/√5। ओके, माइनस कितना है आपका 3ay, तो -3ay है, तो y का कंपोनेंट तो यहां है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, और प्लस az है, तो यहां भी z का कंपोनेंट है, तो कितना हो जाएगा -1/√5, तो 4 - 1 = 3, 3/√5। क्लियर है यहां तक c डॉट ए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर कंपोनेंट, तो cv कितना हो जाता है आपका, देख सकते हैं आप
सी डॉट ए ए आप मल्टीप्लाई करना है ए ए से, ओके ए ए आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा आपका 3/√5, ओके देन 2ax माइनस az/√5, ठीक है आप देख सकते हैं यहां से c डॉट a था 3/√5 और डॉट नहीं, एक्चुअली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है a a से, तो आपने a a कर दिया तो आपका आंसर आ गया यहां पर। और ये आप देख सकते हैं यहां पर यूनिट वेक्टर प्रेजेंट्स हैं, मतलब ये आपका कौन सा कंपोनेंट है, ये आपका वेक्टर कंपोनेंट है, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ हम लोग एक न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे, लास्ट दो क्लासेस में जो हमने वेक्टर का एनालिसिस किया है उनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद आपका जो बेसिक्स ऑफ वेक्टर है वो आपका फिनिश हो जाएगा, ओके। नाउ एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, तो उसमें आपको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। तो वेक्टर ए कितना गिवन है आपको, 2ay + 4az, और वेक्टर बी गिवन है -3ax + ay + 5az, ओके। तो टू वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको बोला है क्वेश्चन में वेक्टर पैरेलल टू ए बी, ठीक है, आपको एक वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल होगा वेक्टर ए बी के, ओके, वेक्टर पैरेलल टू ए बी विथ एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड आप जो भी कह लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ 20, ओके, मींस आपको एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है जो पैरेलल हो ए बी के और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपका 20 हो, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो हमें यहां पर इस तरह का वेक्टर जो पैरेलल है कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं, यह हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यह पॉइंट समझना होगा कि जो वेक्टर आपका पैरेलल है वेक्टर ए बी के, ओके, वो ऑब्वियस सी बात है कि सेम डायरेक्शन कंटेन करता होगा जो कि आपका वेक्टर ए बी कंसीडर करता होगा, क्लियर है पॉइंट, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्शंस जो आपके होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर लूं, वेक्टर ए बी मतलब डिस्टेंस वेक्टर ए बी, ओके, तो यहां पर जो वेक्टर ए बी है वो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, हमें क्या करना होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओके, तो आपका जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा देखिए, -3ax, क्योंकि ax तो a में है नहीं, तो -3ax, ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ay - 2ay, कितना हो जाएगा -ay, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5az - 4az + az, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर ab का यूनिट वेक्टर निकालना होगा जिसे हमें क्या मिल जाएगा ab का डायरेक्शन, वेक्टर ab का डायरेक्शन, ओके, क्योंकि पैरेलल में जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ab का यूनिट वेक्टर यहां पर कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा -3ax - -ay + az डिवाइडेड बाय √3² + 1² + 1² दैट मींस √11, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां से हमें ab का डायरेक्शन वेक्टर मिल गया, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर मिल गया। अब हमें पता है हमें पैरेलल वेक्टर निकालना ab के, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो हमें जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन मिल गया है। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको गिवन है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 20 है, तो हमें एम्पलीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, ठीक है ना। तो जो पैरेलल वेक्टर है ab का, अगर मैं उसे नाम दे रहा हूं c, तो जो वेक्टर c होगा जो ab के पैरेलल है वो हो जाएगा 20, ओके, -3ax, ओके, -ay + az, ओके, √11, क्लियर है पॉइंट। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर, ओके, जिसका एम्पलीट्यूड आपको गिवन हो, ओके। तो ये आपका बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो फिनिश होता है टॉपिक, ओके। लास्ट टू वीडियोस में जो हमने अभी देखा बेसिक्स ऑफ वेक्टर, वो आपका आने वाले सिलेबस पे यूज होगा कंप्लीटली, तो इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए फॉर ईएमएफटी के लिए, ओके। आगे आने वाली वीडियो में मैं अब स्टार्ट करूंगा फर्स्ट चैप्टर से ईएमएफटी के, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ओके, इन टर्म्स से आपको पहले फैमिलियर कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ मूव कर जाएंगे, ओके।
वैसे तो ये जो दो वीडियो हमने देखी है बहुत इजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.